वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की अपकमिंग फिल्म यानी कि OMG 2 के टीजर के बारे में। तो 1 मिनट 26 सेकंड के आसपास का एक टीजर जो है रिलीज किया गया है। कहने को तो टीजर की लेंथ 1 मिनट 26 सेकंड की है, बट एक्चुअल टीजर जो है वो 50-55 सेकंड पे ही जो है खत्म हो जाता है। मतलब नाम टीजर है बट अंदर का कंटेंट जो है वो किसी ग्लिम्स के बराबर ही है। मतलब इस टीजर के अंदर देखने दिखाने के लिए और बोलने बताने के लिए जो है बहुत कुछ नहीं है। बट फिर भी अगर कुल मिलाकर टीजर के बारे में अगर मैं बोलूं तो मुझे पर्सनली टीजर जो है अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है, टीजर जो है प्रॉमिसिंग आया हुआ है। अगर यहां पर टीजर को देखने के बाद कहानी की बात करें तो साफ साफ ये पता चल ही जाता है पहले डायलॉग से ही कि यहां पर कहानी का जो लीड कैरेक्टर है जो कि पंकज त्रिपाठी प्ले कर रहे हैं वो इस बार जो है एक आस्तिक कैरेक्टर होने वाला है जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है और उनके परिवार पर आ चुकी है कोई बहुत बड़ी मुसीबत जिसका समाधान करने अब अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो भगवान शिव के रूप में आए हुए हैं। अब अगर अक्षय कुमार के बारे में बात करें तो डेफिनेटली उनका लुक वगैरह जो है अच्छा नजर आ रहा है, बट हाँ जो एक डिवाइन फील में एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि मुझे पहले पार्ट के अंदर अक्षय कुमार के कैरेक्टर को देखकर फील होती थी, जिस तरीके का इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ था उसके अंदर, तो वो चीज जो है एटलीस्ट अभी छोटे से टीजर के अंदर मिसिंग थी। बट क्योंकि बहुत ही कम फ्रेम्स यहां पर देखने को मिले हैं तो इन चीजों को देखकर इस बात पर मैं कोई भी कंक्लूजन नहीं देना चाहूंगा, मैं ट्रेलर और फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करूंगा। बाकी ओवरऑल उनका लुक जो है अच्छा है, जो डायलॉग्स उन्हें यहाँ पर दिए गए हैं वो भी मैं कहूंगा काफी अच्छा है। बाकी टीजर की अगर हम बात करें तो एक फ्रेम के अंदर एक लड़का जो है ट्रेन के सामने खड़ा अपनी जान देने के लिए तैयार है। अब हो सकता है कि ये पंकज त्रिपाठी की कल्पना हो या फिर हो सकता है कि सही में वो यहाँ पर जान देने के लिए खड़ा हो और आगे जाके शायद यहाँ पर अक्षय कुमार जो है उन्हें बचा ले या फिर हो सकता है कि वो अपनी जान गंवा दे। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनके परिवार पर जो कुछ भी प्रॉब्लम आई हुई है वो कहीं ना कहीं इस लड़के या फिर कहें पंकज त्रिपाठी के लड़के के कारण ही आई हुई है। अब वो कारण क्या है क्या नहीं वो तो हमें फिल्म देखकर ही पता चलेगा, बट हाँ काफी कुछ चीजें जो है हमने सुनी हुई है कि इस फिल्म का सब्जेक्ट वगैरह क्या होने वाला है, तो मे भी वही कुछ चीजें जो है यहाँ पर उस लड़के से जुड़ी हो सकती हैं जो शायद हो सकता है कि समाज जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। और एक फ्रेम में जो है पंकज त्रिपाठी हमें भागते हुए भी नजर आते हैं जो कि दिखाता है कि अगेन काफी लोग हैं जो यहाँ पर उनकी जान तक लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पहले पार्ट के अंदर जहां पर हमें ड्रामा के साथ साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिल रही थी, वहीं यहां पर इस सेकेंड पार्ट के इस छोटे से टीजर को देखने के बाद लग रहा है कि इस बार इस फिल्म का जो टोन है वो काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है और कॉमेडी जो है शायद हमें इस फिल्म के अंदर देखने को ना मिले। बाकी टीजर के अंदर हमें कुछ बेहतरीन शॉट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, जहां पर सबसे फेवरेट शॉट की अगर बात करें तो इस शॉट के अंदर जिस तरीके से अक्षय कुमार बैठे हुए हैं उनके ऊपर पानी गिर रहा है और आप देखोगे तो बैकग्राउंड में आपको एक आधा चंद्रमा भी नजर आता है, तो ये पर्टिकुलर शॉट जो है बहुत ही बेहतरीन था, देखकर जो है काफी अच्छा लगा। तो ओवरऑल यही कहूंगा कि टीजर बहुत ही छोटा सा आया है बट जितना आया है अच्छा है, एक अच्छी फिल्म की उम्मीद जो है हम यहां पर इस फिल्म से लगा सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन बनता है इस टीजर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।